दोस्तों, समय क्या है इसे कोई नहीं बता सकता। हर इंसान के लिए समय का एक अलग ही मतलब है और हर कोई समय को अलग अलग तरह से डिफाइन करता है। लेकिन चाहे जो भी हो, समय बहता रहता है। समय का काम है फ्लो होना और इसीलिए वो लगातार फ्लो होता ही रहता है। अब पुराने समय में लोगों ने कभी भी समय पर सवाल नहीं उठाए और ना ही समय को लेकर छेड़छाड़ करने की कोशिश की हो या फिर कल्पना की हो। लेकिन फिर सन 1881 में एडवर्ड पेज मिचेल नाम के एक राइटर की एक असाधारण परिकल्पना ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट पेश किया जो फिक्शनल ही सही पर फ्यूचरिस्टिक भी था। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और आप सबका स्वागत है एक अंतरिक्ष टीवी ओरिजिनल सीरीज प्रीलिमिनरी पैराडॉक्स में। In Einstein's vision, time becomes flexible. It can warp, it can bend. Correct way to time travel. दोस्तों, आज के समय में टाइम मशीन कितना यूजुअल कॉन्सेप्ट है। धरती की लगभग सारी आबादी इसके बारे में जानती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कब हुई ये जानना भी बहुत जरूरी है। और मुझे ये भी पता है कि आप में से किसी ने भी इस बात को गहराई से समझने की कभी कोशिश नहीं की होगी कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ था, आखिर समय यात्रा का ये कीड़ा जागा कहाँ से था। तो दोस्तों, पहले के समय में हकीकत तो छोड़िए, कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि समय में पीछे भी जाया जा सकता है या पीछे जाना संभव भी है या नहीं। लेकिन उसके बाद 18 सितंबर साल 1881 में एडवर्ड पेज मिचेल नाम के एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी लेखक ने द क्लॉक दैट वेंट बैकवर्ड नाम की एक फिक्शनल स्टोरी लिखी और इसे इतिहास की वो पहली कहानी कहा जाता है जिसमें मशीन को यूज करके टाइम में पीछे जाने की बात लिखी गई थी। अब अगर सीधी भाषा में बोले तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम वेन द टाइम मशीन एंड टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट वॉज प्रेजेंटेड पब्लिकली इन द ह्यूमन हिस्ट्री। फिर क्या दोस्तों, होना क्या था? भेड़ चाल वाली दुनिया में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर 100 से भी ज्यादा कहानियां और नाटक लिख डाले गए। हर बुक के साथ यह चीज और ज्यादा पॉपुलर होती जा रही थी और जब लेजेंडरी साइंस फिक्शन राइटर H.G. वेल्स ने सन 1895 में द टाइम मशीन नाम की एक नॉवेल पब्लिश की, तब उसके बाद तो जैसे तहलका मच गया। चाहे वो एक आम आदमी हो या फिर कोई फेमस साइंटिस्ट, हर कोई इस कल्पना को हकीकत में बदलने के ख्यालों में डूब गया। ये वो समय था जब बहुत सारे वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल और टाइम मशीन के पीछे पड़ गए थे और इसको लेकर स्टडी और रिसर्चेस कर रहे थे। लेकिन साल 1905 के बाद सर अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के एक जर्मन फिजिसिस्ट ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी के कई कॉन्सेप्ट पेश करना शुरू कर दिए जो आगे जाकर इस स्टडी में एक रिवोल्यूशनरी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो अब समय आता है समय के बारे में बात करने का। आइंस्टाइन के हिसाब से समय हमारा फोर्थ डायमेंशन है। अब वैसे तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि टाइम इज फ्लोइंग यानी समय निरंतर बह रहा है, लेकिन फिर भी हम समय को एक नदी की तरह सोच नहीं सकते। अब सपोज कीजिए कि आपने अपने हाथ में एक पेन लिया है और आप उस पेन से एक लाइन खींच देते हैं। अब उसी लाइन के दोनों एंड्स में एक पॉइंट बना लीजिए और एक पॉइंट मिडिल में बना लीजिए, बस वो लाइन ही है समय। शुरुआत से सबसे पहला पॉइंट है पास्ट, मिडिल वाला पॉइंट है प्रेजेंट और लास्ट वाला पॉइंट है फ्यूचर। अब ये लाइन पहले पास्ट से ओरिजिनेट होकर प्रेजेंट में गई और फिर प्रेजेंट में ही आगे जाकर फ्यूचर बन गई। यानी कि समय पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के एक लीनियर सीक्वेंस में बस चलती ही जा रही है। लेकिन इस लाइन का एक मतलब ये भी है कि हम इनमें से किसी भी पॉइंट में अगर थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करेंगे तो उसका असर हमें लाइन के आगे आने वाले हिस्से में जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने अपने पास्ट में जो कुछ भी किया है उसी की वजह से आज हम अपने प्रेजेंट के आउटकम्स को देख पा रहे हैं। इसी के अलावा हम जो कुछ भी प्रेजेंट में कर रहे हैं उससे ही हमारा फ्यूचर इफेक्ट होगा। अब इस लीनियर डायरेक्शन ऑफ टाइम को अगर एक वर्ड में कंप्राइज करें तो इसे हम लोग कहेंगे एक टाइम लाइन, और यह एक सीधी रेखा में चल रही है। लेकिन यही अगर मैं एक टाइम मशीन को लेकर पास्ट में जाकर कोई भी हरकत करूं तो यही टाइमलाइन एक सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा, इसके लिए दोबारा उसी लाइन को देखिए। अभी तक हम लोग यहाँ पास्ट से प्रेजेंट की ओर जा रहे थे और प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जा रहे थे,
तो टाइम एक लाइन की तरह बनी हुई थी, पर अगर मैं फ्यूचर से पास्ट की ओर चला जाऊं तो ये उसी लाइन में एक सर्कुलर फिगर बना देगा जिससे टाइम लाइन वाला रूल पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। इसके अलावा इस गड़बड़ी की वजह से फिजिक्स के काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पूरी तरह से टूट जाएंगे। पर यार प्रॉब्लम सिर्फ प्रिंसिपल्स के टूटने की वजह से ही नहीं क्रिएट होंगे, चलो उसकी जगह पर नई रिसर्च होगी, कुछ नई खोज की जाएगी और फिर नए प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। पर अगर हम लोग पास्ट में ट्रैवल करेंगे तो इस पॉसिबिलिटी में कुछ ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन फेस करेंगे जिनकी वजह से पूरा टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट ही बेकार या कहे अनरियल लगता है। ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्शंस को अगर हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो उसे कहा जाएगा टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स। और अब दोस्तों जानने का समय आ गया है कि पैराडॉक्स एक्चुअली में होता क्या है। पैराडॉक्स का अगर हिंदी में मतलब देखेंगे तो वो होता है विरोधाभास, यानी कि कोई ऐसी चीज या ऐसी क्वेश्चन जिससे किसी कॉन्सेप्ट का विरोध किया जा सके। नाउ सपोज कीजिए कि आपके दिमाग में एक दिन सुसाइड करने का ख्याल आया, लेकिन आप उसे कुछ अलग तरीके से करना चाहते थे। अभी सिनेरियो में आपके पास एक टाइम मशीन ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो आपने उस टाइम मशीन का यूज किया और भूतकाल में उस समय में चले गए जब आप अभी अभी पैदा हुए थे। आपको पैदा हुए बस कुछ ही घंटे हुए हैं और आप बच्चों वाले झूले में झूल रहे हैं, लेकिन तभी आपने हॉस्पिटल में अपने ही झूले के पास जाकर अपने बचपन वाले रूप को ही मार डाला। वेल डन गाइस, यू डिड इट। लेकिन अब डीपली सोचो, आप बोर हो रहे थे, आपका सुसाइड करने का मन हुआ, तो इसके लिए आप उस समय में पहुंच गए जब आप बहुत छोटे थे, तुरंत पैदा ही हुए थे। आपने अपने छोटे से शरीर को देखा और आपने उसकी गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन अगर आपने अपने ही बचपन की हत्या कर दी है तो आप कहां से एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी आपने जिसको मारा है वह आगे जाकर आप ही का रूप लेगा। पर अब जब वो जिंदा ही नहीं है तो वह आपकी उम्र तक कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब कि आपका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका एग्जिस्टेंस है ही नहीं तो फ्यूचर से उस बच्चे को मारा किसने? अब अगर आपने अपने आप को ही मार दिया तो आप कभी बड़े ही नहीं हो पाएंगे, जिसका मतलब कि आप कभी पास्ट में वापस जा ही नहीं पाएंगे और उस बच्चे की हत्या कर ही नहीं पाएंगे। क्यों हिला डाला ना? वेल, ये टाइम ट्रैवल का एक ऐसा सिनेरियो है जो खुद ही टाइम ट्रैवल के सिनेरियो को झूठा साबित करता है, या कहें कि गलत और अनरियल साबित करता है। तो अब बताइए कि आपको टाइम ट्रैवल कैसा लगता है? सच तो ये है कि बाकी सारे YouTube चैनल्स में आपको टाइम ट्रैवल के बहुत ही अजीबो गरीब कहानियां सुनाई जाती है और आप उनमें से कईयों को सच भी मान लेते हैं, बट एक्चुअली में अगर कोई टाइम ट्रैवल करके कभी भी पास्ट में आएगा तो उससे बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस चेंज हो जाएंगे। अब इसके साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि क्यों साइंटिस्ट उन लोगों के पीछे कभी नहीं पड़ते जो टाइम ट्रैवल करके आने का दावा करते हैं, क्योंकि अगर फिजिक्स के हिसाब से देखें तो टाइम ट्रैवल कर पाना इम्पॉसिबल है। आप फ्यूचर में कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर इनडिफाइनाइट है। एवेंजर्स मूवी में भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्यूचर के अप्रोक्सीमेटली 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज देखी थी, और इसी बात से आप इस चीज का आइडिया लगा सकते हो कि भविष्य कितना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। अब अगर आपने मेरा वीडियो देखने से पहले नहाया है तो उसकी अलग पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन अगर आपने मेरे वीडियो को देखने के बाद जाकर नहाया है तो उसकी एक अलग पॉसिबिलिटी बन जाएगी। मतलब जस्ट इमेजिन करो कि कितना झोल है यहाँ पर। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग आप पास्ट में भी तभी ट्रैवल कर सकते हैं जब आप लाइट की स्पीड से भी तेज सफर करेंगे, बट एक्चुअली में ऐसा कहा जाता है कि कभी भी मानव जाति लाइट की स्पीड से ज्यादा की रफ्तार से ट्रैवल कर ही नहीं सकती, विच मीन्स टाइम ट्रैवल को यहीं से इम्पॉसिबल करार दे दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है तो भी टाइम ट्रैवल को विरोधाभास करवाने के लिए इन पैराडॉक्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, और यकीन मानिए ये पैराडॉक्स इतने इंटरेस्टिंग है और इनमें इतनी अमेजिंग स्टोरीज छिपी हुई है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आप इस समय एक सफर की शुरुआत में हैं, एक ऐसे सफर की जो अभी तक बताए गए झूठ को सच का पर्दा दिखाएगी, एक ऐसी सीरीज जिसमें सब कुछ रियलिटी पर बेस्ड होगा, और आखिर कौन सी पॉसिबिलिटी सबसे फेमिलियर है इसकी सबसे ज्यादा बारीक नॉलेज मिलने वाली है आपको इसी सीरीज में। ये खुलासा है विज्ञान और समय का। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जाना पैराडॉक्स क्या होता है, पर यकीन मानिए ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इसके आने वाले एपिसोड्स और भी धमाकेदार होने वाले हैं। तो अगर आपको इस सीरीज को कंटिन्यू करना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में। अगर आप नए हो चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।